वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीम हेल्थ केयर कंसल्टेंसी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज के इस सेशन पे हम आपके साथ शेयर करेंगे अबाउट गुजरात सीट मैट्रिक्स एनालिसिस। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाले फ्यूचर्स में आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंटेंटफुल सेशंस हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, स्पेशली ये मेडिकल काउंसलिंग के प्रोसेस में। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज के सेशंस में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो आज के इस सेशंस में हम कट ऑफ कितना रहेगा, ओके, ब्रांच वाइज कितना कट ऑफ रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। स्टेट सेल्फ फाइनेंस कोटे के सीट्स कितने हैं गुजरात में, ओके, बीएमएस आयुर्वेदा होम्योपैथी है एमबीबीएस के। गवर्नमेंट सीट्स कितने हैं गुजरात में, राइट, ऑल इंडिया सीट कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है और गवर्नमेंट सीट्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम देखेंगे। एनआरआई मैनेजमेंट कोटे के कितने सीट्स है, स्पेशली एमबीबीएस बीएमएस डेंटल है होम्योपैथी के। फी स्ट्रक्चर कितना रहेगा गुजरात में फॉर 2020, राइट, स्पेशली एमबीबीएस एंड आयुर्वेदा का। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा एमबीबीएस का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा बीएएमएस एंड होम्योपैथी का, एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा डेंटल का, स्पेशली गवर्नमेंट सीट्स का। ओके, तो ये सभी पॉइंट्स हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम आपके साथ कवर करेंगे काउंसलिंग एंड काउंसलिंग स्केड्यूल 2017 से लेके 2020 तक का काउंसलिंग स्केड्यूल कैसा था और 2020 में कैसा रहेगा, राइट, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसी के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे विच आर द वेबसाइट्स यू शुड फॉलो, ओके, फॉर एडमिशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आयुष के कोर्सेज के लिए कौन से वेबसाइट हमें फॉलो करने हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए हमें कौन से वेबसाइट्स फॉलो करने हैं, एडमिशन प्रोसेस के लिए स्पेशली इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका महाराष्ट्र तमिलनाडु आंध्रा केरला यूपी, राइट, ये सभी ओपन स्टेट्स है और यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के लिए हमें उनके इंडिविजुअल वेबसाइट्स जो होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स हैं जो भी आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो उनको सब ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनको पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रहेगा, बट यहाँ पे उन लोगों के लिए सेशंस बना रहे जो गाँव में बैठे हैं जिनके पास कोई सोर्सेस नहीं है, राइट, तो इनके लिए ये बहुत यूजफुल रहेगा ये सेशंस। तो कृपया बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो होता है, ओके, जो बहुत सारे ऐसे देखो हर कोई छोटे शहर में छोटे छोटे एजेंट्स बैठे होते हैं वो आपको बहुत सारे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो 100% ऑथेंटिक कभी नहीं होते, हमेशा गलत बताएंगे, आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको गलत टाइप का फी स्ट्रक्चर बताएंगे, आपको अदर वे से एडमिशन करने का आपको प्रॉमिस करेंगे और फिर आपके साथ खेलते हैं। ओके, तो ऐसे लोगों से कैसे बचे वो भी हम आपके साथ आज के इस सेशंस में हम शेयर करेंगे। ओके, लास्ट ईयर में जो मॉपअप राउंड हुआ था करीबन 11th और 13th ऑफ अगस्त के आसपास, ओके, उसके बाद जो सीट कितने वैकेंट थे, ओके, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपके लिए ये सभी इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल रहेगा आने वाले 1.5 से 2 महीने में जब एडमिशन का प्रोसेस आपका पूरा चलेगा, राइट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखो इन 2020 गुजरात में टोटल 79,228 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन लोगों ने नीट 2020 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया था, एप्लीकेशंस किया था, उसमें से करीबन 64,000 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो जिन लोगों ने फाइनली नीट का एग्ज़ाम्स दिया था। ओके, उस 64,000 स्टूडेंट्स में से 36,398 ऐसे कैंडिडेट्स थे दे वेर फाइनली क्वालिफाइड फॉर नीट 2020। ओके, उस 36,000 स्टूडेंट्स में से जैसे हमारा इंटरनल सोर्सेज से हमको जैसे पता चल रहा है, राइट, गवर्नमेंट के थोड़े बहुत सोर्सेज से हमें जितना भी इंफॉर्मेशन है उसमें से अराउंड 24,000 to 25,000 स्टूडेंट्स ही ओनली ऐसे हैं जिन लोगों ने फाइनली एडमिशन काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन किया है। ओके, तो ये 24,000 to 25,000 स्टूडेंट्स के बीच में करीबन 12,000 से 13,000 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर एमबीबीएस बीएएमएस डेंटल और होम्योपैथी के। टोटल सीट्स मिला के 12,000 से 13,000 सीट्स है। ओके, यहाँ पे मैं एक 1,000 का वेरिएशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं उनको परमिशन नहीं भी मिल सकता है और पॉसिबिलिटी है कि सबको ये साल परमिशन मिल जाए, राइट, तो हम टेंटेटिवली 12,000 to 13,000 सीट्स काउंट करेंगे यहाँ पे, राइट।
अभी गुजरात में टोटल सीट्स कितने हैं ब्रांच वाइज? ओके, तो एमबीबीएस के गुजरात में ये साल करीबन 6100 तक सीट्स जाएंगे। लास्ट ईयर के सीट्स करीबन 5357 समथिंग सीट्स थे। ये साल सीट्स बढ़ेंगे। दो से तीन ऐसे कॉलेजेस हैं जिसको परमिशन मिलने का मैक्सिमम चांसेस है और वो सेल्फ फाइनेंस कोटे से वो सीट्स आएंगे। ओके, उसके बाद डेंटल के सीट्स कितने हैं गुजरात में ये साल? तो करीबन 1255 डेंटल के सीट्स है गुजरात में। उसमें से उसके बाद बीएएमएस के केस कितने ऐसे सीट्स हैं? तो बीएएमएस के टोटल गुजरात में 2020 में 2300 सीट्स है और होम्योपैथिक के 3610 सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स ये जो कैलकुलेशन मिला है तो अराउंड 13,315 सीट्स होते हैं गुजरात में, जो ये साल बाय 2020 के एडमिशन काउंसलिंग में अवेलेबल रहेंगे। okay. अभी गुजरात में ऑल इंडिया कोटे के सीट्स कितने हैं स्पेशली एमबीबीएस के? तो गुजरात में टोटल ऑल इंडिया के सीट्स है 210। ये जो 210 जो सीट्स है उसमें बाहर के स्टेट के बच्चे यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन गुजरात के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे 210 सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये एमबीबीएस के सीट्स है। ओके, बीडीएस के टोटल 38 सीट्स है, क्योंकि गुजरात में ओनली 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस है और यहाँ पे ऑल इंडिया कोटे के सीट्स गुजरात में 38 सीट्स है ओनली। जबकि आयुर्वेदा के टोटल गुजरात में अराउंड 500 सीट्स है, सॉरी, जबकि आयुर्वेदा के गुजरात में अराउंड 300 से 350 तक के सीट्स रह सकते हैं, क्योंकि इसमें डिपेंड्स होता है कितने कॉलेजेस को फाइनली परमिशंस मिल रहा है। और जो होम्योपैथी के सीट्स है वो अराउंड 500 सीट्स रहेंगे गुजरात में। तो कुल मिला के गुजरात में टोटल जो ऑल इंडिया कोटे के जो सीट्स हो गए वो अराउंड 1100 to 1120 सीट्स रहेंगे गुजरात में, उसमें एमबीबीएस, डेंटल, आयुर्वेदा और होम्योपैथी सब मिला के। तो ये जो 1100 सीट्स है इसमें बाहर के स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। अभी गुजरात में सेल्फ फाइनेंस कोटे के सीट्स कितने हैं राइट? तो एमबीबीएस के टोटल गुजरात में सेल्फ फाइनेंस कोटे के सीट्स अराउंड 3586 कॉलेजेस, जिसमें मान लो जो कॉलेज इसको परमिशन मिलने वाले हैं उसको भी जोड़ दिया जाए तो अराउंड 3586 सीट्स गुजरात में एमबीबीएस के हैं। अभी डेंटल के सीट्स गुजरात में करीबन 780 से लेके 750 तक के गुजरात में डेंटल के सीट्स रहेंगे, जबकि आयुर्वेदा के टोटल 1200 सीट्स गुजरात में अवेलेबल रहेंगे और बीएचएमएस के टोटल 1716 सीट्स जो सेल्फ फाइनेंस कोटे में आते हैं वो अवेलेबल रहेंगे। ओके, गवर्नमेंट कोटे के सीट्स गुजरात में ये साल कितने रहेंगे? ओके, तो एमबीबीएस के 1407 सीट्स रहेंगे, डेंटल के 212 सीट रहेंगे, आयुर्वेदा के 504 सीट रहेंगे और होम्योपैथी के 550 सीट्स रहेंगे गुजरात में राइट? अभी एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे के सीट्स गुजरात में कितने रहेंगे? ओके, तो एमबीबीएस में करीबन 800 सीट्स गुजरात में एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे के रहेंगे, बीडीएस के करीबन 225 सीट्स अवेलेबल रहेंगे, आयुर्वेदा के करीबन 425 सीट्स अवेलेबल रहेंगे, जबकि होम्योपैथी के करीबन 746 सीट्स गुजरात में एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे के सीट्स अवेलेबल रहेंगे राइट? तो ये जो सीट्स होते हैं यूजुअली वैकेंट रहते हैं एक्सेप्टिंग जो एमबीबीएस के जो सीट्स होते हैं एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे की सीट। इसके अलावा जो डेंटल, आयुर्वेदा और होम्योपैथी ये जो तीनों ब्रांचेस के जो सीट्स होते हैं स्पेशली एनआरआई मैनेजमेंट कोटे के 25% जो सीट्स है वो यूजुअली अवेलेबल रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो यूजुअली मॉपअप के बाद स्टूडेंट्स को फाइनली ऑफलाइन में उसके एडमिशन मिलने का मैक्सिमम चांसेस रहता है। आयुर्वेदा और होम्योपैथी के सीट्स मैनेजमेंट कोटे के काउंसिलिंग के थ्रू नहीं भरे जाते, आयुर्वेदा और मैनेजमेंट कोटे के सीट हमेशा ऑफलाइन भरे जाते हैं जो कॉलेजेस अपने लेवल से भरते हैं राइट? तो ये सीट्स में निगोशिएशन भी पॉसिबिलिटी है। ये सीट्स में जिन लोग कैंडिडेट का मेरिट में नंबर नहीं आ रहा है उनको यहाँ पे ऑफिशियली आराम से एडमिशन मिलने का चांसेस है। ओके, तो उसका भी डिस्कशन हम आने वाली वीडियोस में, आने वाले सेशंस में हम करेंगे। अभी ओनली सीट मैट्रिक्स के लिए हम बात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी गुजरात में फी स्ट्रक्चर कितना रहेगा? ओके, एमबीबीएस का, आयुर्वेदा का, डेंटल का और होम्योपैथी का। एमबीबीएस का देखो फी स्ट्रक्चर गुजरात में जो गवर्नमेंट सीट्स होते हैं उसका 25,000 से लेकर 50,000 तक का रहता है। जो सेल्फ फाइनेंस कोटे के जो सीट्स है लाइक जीमर्स, ओके, उसका फीस बिटवीन 3 लाख से लेकर 685,000 तक का
उनका फीस रहता है। और जो मैनेजमेंट कोटे के जो सीट्स है राइट, उसका फीस करीबन 8 लाख रुपीज से लेके 15 लाख रुपीज तक के उसका फी स्ट्रक्चर रहता है। और जो NRI कोटे के जो सीट्स है उसका फी स्ट्रक्चर बिटवीन 20,000 डॉलर से लेके 35,000 डॉलर तक का रहता है राइट। उसी तरह आयुर्वेदा का गुजरात में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसका फीस है 4,000 रुपीज से लेके 25,000 तक का फीस रहता है गुजरात में। जबकि सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस जो होते हैं उसका फीस बिटवीन 2,50,000 रुपीज से लेके 2,70,000 2,80,000 मैक्स होता है। उसके बाद जो मैनेजमेंट कोटे के जो सीट्स होते हैं उसका फी स्ट्रक्चर बिटवीन 3,50,000 से लेके 4,25,000 तक का मैक्स इनका फी स्ट्रक्चर रहता है मैनेजमेंट कोटे का राइट। NRI कोटा यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है फॉर BAMS, उसका फी स्ट्रक्चर वापस से मैनेजमेंट कोटा ही उनका इम्प्लीमेंट होता है। जबकि डेंटल का जो गवर्नमेंट कोटे का जो सीट्स है उसका फीस 20,000 रुपीज रहता है। सेल्फ फाइनेंस कोटे का फीस है बिटवीन 2 लाख रुपीज से लेके 3,95,000 तक इनका फीस रहता है सेल्फ फाइनेंस कोटे का। और इनका जो मैनेजमेंट कोटे का जो फी स्ट्रक्चर है वो 2 लाख रुपए से लेके 7,45,000 तक इनका मैनेजमेंट कोटे का फीस रहता है राइट। और इनमें यहाँ पे NRI कोटे का जो फीस होता है गुजरात में डेंटल का, उसका फी स्ट्रक्चर $6,500 से लेके $12,000 तक का फीस यहाँ पे रहता है सालाना फॉर डेंटल ओके। और जो होम्योपैथी के सीट से गुजरात में उसका जो फी स्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट का जो फी स्ट्रक्चर है बिटवीन 4,000 to 25,000 रुपीस रहता है। सेल्फ फाइनेंस कोटे के जो फीस होता है बिटवीन 80,000 से लेके 110 मतलब 1,10,000 तक के मैक्स रहते हैं उनका सेल्फ फाइनेंस कोटे का फीस। जबकि मैनेजमेंट कोटे का जो फीस होता है वो बिटवीन 1,15,000 रुपीस से लेके उनका फीस करीबन 1,60,000 तक उनका फीस रहता है मैनेजमेंट कोटे का होम्योपैथी का। और जो NRI कोटा होता है उसका जो फी स्ट्रक्चर वो सेम रहता है लाइक मैनेजमेंट कोटा। गुजरात में होम्योपैथी पढ़ने के लिए बहुत कम NRI स्टूडेंट्स आते हैं, ऑलमोस्ट 1 or 2% आएंगे तो आएंगे नहीं तो नहीं आते राइट। आयुर्वेदा में भी वही सिचुएशन है, डेंटल में भी वही सिचुएशन है। तो यहाँ पे NRI के सीट्स डेफिनेटली वैकेंट ही रहते हैं ओके। उसका जो काउंसलिंग होता है ना स्पेशल आयुर्वेद और होम्योपैथी का, उसका ऑफलाइन ही होगा। तो ये सीट्स अवेलेबल रहेंगे और ये सीट्स आपको इंस्टीट्यूट लेवल से आपको डेफिनेटली मिल पाएंगे ओके, आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ मॉपअप राउंड, क्योंकि मॉपअप में ये सीट्स इंक्लूडेड नहीं होते okay. अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैक्सिमम हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना ये यही पूछते हैं कि सर हमारा कट ऑफ कितना रहेगा MBBS का स्पेशली राइट। तो वो मैं आपके यहाँ पे आपको बताता हूँ। MBBS का देखो इन 2020 एज पर आवर एनालिसिस, जहाँ तक हमारा नॉलेज है, जहाँ तक हमको पता है ओके हम एक टेंटेटिवली फिगर्स बताएंगे वहाँ तक उसका कट ऑफ रह सकता है ओके। तो देखो MBBS का स्पेशली जो गवर्नमेंट सीट्स होते हैं उसमें उसका जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी का करीबन 560 रहेगा ओके। तो 560 से अबोव है उनको जनरल कैटेगरी में उनको गवर्नमेंट सीट्स मिलने का चांसेस है ओके। OBC कैटेगरी में करीबन 500 आपका जो स्कोर रहेगा तो आपको गवर्नमेंट सीट्स मिलेगा MBBS का ओके। और जो SC कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स है उसका करीबन 470 से अबोव है तो उनको सीट मिलने का मैक्सिमम चांसेस है राइट। और जो ST कैटेगरी है उनका 275 से अबोव स्कोर है तो उनको डेफिनेटली MBBS का सीट्स मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो कट ऑफ है जनरल का 560, OBC का 500, SC का 470 और ST कैटेगरी का 275 और इकोनॉमी वीकर सेक्शंस EWS वाले बच्चों का 535 के करीबन रहेगा कट ऑफ फॉर MBBS। जबकि जीमर्स के जो कॉलेजेस है सेल्फ फाइनेंस जीमर्स के जो कॉलेजेस है उसका जो फीस रहेगा उसका जो कट ऑफ रहेगा वो करीबन 450 रहेगा फॉर जनरल कैटेगरी। फॉर OBC इट वुड बी अराउंड 430, फॉर SC कैंडिडेट इट वुड बी अराउंड 380 ओके एंड फॉर ST कैंडिडेट 210 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनके लिए अराउंड 480। ये जीमर्स का कट ऑफ रहेगा MBBS के सीट्स के लिए ओके। मैनेजमेंट कोटे में देखो फिर जो कट ऑफ रहेगा वो हाईएस्ट लोएस्ट कट ऑफ रहता है हमेशा, बट उसमें लास्ट ईयर का पैरामीटर्स हम देखें तो लास्ट ईयर में अराउंड 292 और 296 तक के जो भी बच्चे थे उनको सीट्स मिला था MBBS का लास्ट घंटे में, लास्ट जो
15-20 सीट्स होते हैं वो यही कट ऑफ पे गए थे, राइट। ये साल देखो कट ऑफ हाई जाएगा, सबको पता है ये साल मेरिट नंबर हाई रहेगा, ये साल मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो स्कोर है वो अबव रहे, ओके। तो ये साल हमारा प्रेडिक्शन है कि अराउंड आपका स्कोर मान लो 325-330 से अबव है तो आपको गुजरात में मैनेजमेंट कोटे के सीट्स मिल सकते हैं। मैनेजमेंट कोटे के सीट्स के लिए हमें कोई अलग से काउंसलिंग प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, मोपअप में इसके जो सीट्स होते हैं वो कन्वर्ट होकर मेरिट नंबर के थ्रू हमें फाइनली मिलते हैं। लास्ट ईयर अराउंड 9500 तक मेरिट नीचे गया था, सो फ्रॉम 1 to 9500 तक के जनरल मेरिट वाले जो कैंडिडेट्स थे उनके उनको सीट्स मिला था फाइनली MBBS का, राइट। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स का जनरल मेरिट नंबर अबोव 9000 है, आई मीन 9000 के अंदर है, उसको MBBS का सीट मिलने का मैक्सिमम चांसेस है। मैनेजमेंट कोटा तो मैनेजमेंट कोटा, बट सीट आपको ज़रूर मिलेगा। अभी फी स्ट्रक्चर होता है वो इंडिविजुअल कंडीशंस पे डिपेंड होता है। हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं सर मुझे ओनली सेल्फ फाइनेंस कोटे का सीट्स चाहिए, तो सर देखो आप देख सकते हो आपको ये कट ऑफ में सीट नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको बाहर के स्टेट में जाना पड़ेगा। बाहर के स्टेट्स में जो कट ऑफ होता है वो कम होता है, बट वहाँ पे मैनेजमेंट कोटे में ही हम ऑलरेडी ओनली एलिजिबल होते हैं एक्सेप्टिंग ऑल इंडिया कोटा, राइट। तो यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर होता है बाहर के जो कॉलेजेस होता है वो हाई रहता है, ओके। तो जो कैंडिडेट्स का बिलो 300 स्कोर है उनको गुजरात का हम सीरियसली एडवाइस नहीं करते, गुजरात में उनके लिए स्कोप ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। लास्ट ईयर कट ऑफ डाउन गया था, ये साल इतना ज़्यादा कट ऑफ डाउन नहीं जाएगा, ये साल ऑलरेडी स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो ये साल अराउंड 320-325-330 के अबव आपके मार्क है, देन यू शुड वेट हियर, अदरवाइज यू शुड गो इन अदर स्टेट एंड यू कैन गेट द सीट्स, ओके। यदि आपका बजट है अराउंड 70 lakh, 80 lakh, 90 lakh, 1 crore तक का आपका बजट है तो बाहर के स्टेट्स में आपको इजीली मैनेजमेंट कोटा और NRI कोटे के जो सीट्स फाइनली कन्वर्ट होते हैं अदर कोटे में वो आपको मिल सकता है, ओके। उसका जो प्रीमियम सर्विस है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे, बट यहाँ पर हम ओनली सीट मैट्रिक्स एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते, अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर BAMS इन गुजरात, ओके। तो BAMS का देखो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा गुजरात में ये साल स्टेट कोटे के जो सीट्स है उसमें उसका देखो 410 तक यहाँ पे इनका कट ऑफ जा सकता है, ओके। तो 410 से अबोव आपका स्कोर है देन यू हैव चांसेस टू गेट अ गवर्नमेंट सीट्स हियर इन गुजरात फॉर जनरल कैटेगरी। OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ रहेगा 375। SC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका स्कोर रहेगा अराउंड 325 के अबोव आपका स्कोर है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने का चांसेस है, जबकि ST कैटेगरी में 180 का कट ऑफ है और इकोनॉमी वीकर सेक्शंस में जो कैंडिडेट्स आते हैं उनका अराउंड 390 से अबोव स्कोर है आपका तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने का चांसेस है। ये हमारा प्रेडिक्शन है, ये फाइनलाइज कैंडिडेट कट ऑफ नहीं है, आपका इससे कम भी है तो आपको होप नहीं छोड़ना चाहिए, यू शुड जस्ट पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। जैसे ही पहला मेरिट लिस्ट आएगा तो हमको अपने आप पता चल जाएगा कि फाइनली वी आर एलिजिबल और नॉट फॉर द गवर्नमेंट सीट्स। जो भी कैंडिडेट्स गवर्नमेंट सीट्स नहीं मिलता है डेफिनेटली उनको ये मार्क्स से थोड़े बहुत कम पड़ रहे तो उनको सेल्फ फाइनेंस कोटे की सीट्स मिलेगा। अभी इसके बाद देखो जो सेल्फ फाइनेंस कोटे के जो सीट्स होते हैं, राइट, स्पेशली आयुर्वेदा में उसके जो फी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें देखो आप मेरिटोरियस है, आपके अबव 80% और आप स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे हैं तो गवर्नमेंट आज के डेट में देखो बहुत सारे स्कॉलरशिप के ऑप्शन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। तो आप इकोनॉमी बजट में भी आप पढ़ सकते हैं। जो कैंडिडेट्स ये सब क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे हैं उनको मैनेजमेंट कोटे की सीट्स मिल सकते हैं। और आप देखो आयुर्वेदा एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप मैक्सिमम नॉलेज गेन करने के लिए आपको अच्छा कॉलेज चूज करना पड़ेगा। गुजरात में लिमिटेड ऐसे कॉलेजेस है, दैट इज़ फैक्ट। कॉलेजेस यहाँ पे बहुत है बट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते, ये हम आपको ओपनली बता रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी नो द डेप्थ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनसाइड क्या हो रहा है वो हमें पता है, ओके। बट देते हर कोई का एक इंडिविजुअल चॉइस होता है, उसमें हमें नहीं बढ़ना है आगे, बट यहाँ पे हम आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं। बाहर के ऐसे स्टेट है स्पेशली कर्नाटका, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे BAMS के सीट्स है जो यहाँ पे हमें सेल्फ फाइनेंस कोटे के सीट्स के रेट में हमें वहाँ पे अच्छे से अच्छा 15 से 20 साल पुराना कॉलेजेस में भी हमको एडमिशन्स मिल सकता है, ओके।
तो ये चीज़ हमें हमें ध्यान में रखना है। काउंसलिंग में यूजुअली देखो जो अदर फील्ड के जो बच्चे होते हैं ना, स्पेशली इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो सबसे पहले क्या प्रायोरिटी रखते हैं कि वो IIT को प्रेफर करते हैं, उसके बाद NIT को प्रेफर करते हैं, और उसके बाद ए ग्रेड कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। फिर वो कहाँ कहीं पे भी क्यों ना हो, इंडिया के कोई भी सिटी में क्यों ना हो, वो वहाँ पे जाएंगे और पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद वहाँ पे भी उनको नहीं मिल रहा है तो बी ग्रेड कॉलेजेस में प्रेफर करेंगे। बट वो ऐसा नहीं सोचते कि मेरे घर के बगल में जो कॉलेजेस हैं वहीं पे मैं एडमिशन्स ले लूँ और वहीं पे मैं अपना एजुकेशन फिनिश करूँ। सी, इफ़ यू विल गेट द गुड एजुकेशन, यू विल हैव मैक्सिमम चांस टू गेट योर मास्टर डिग्री। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, डेंटल ऐसे कोर्सेस है जहाँ पे आपको ओनली बैचलर डिग्री से काम नहीं चलेगा, आपको डेफिनेटली मास्टर का कोर्स करना पड़ेगा। और मास्टर कोर्स के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए और आपने कम पैसा स्पेंड किया होना चाहिए अपने बैचलर्स में। ओके, और क्वालिटी एजुकेशन है आपका, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपको एजुकेशन में नॉलेज आएगा, और तभी जाके आप मास्टर डिग्री के कोर्स कर पाएंगे, आई मीन MD MS के कोर्सेज, राइट। उसके लिए हम अलग से एक सेशंस रखेंगे कि हाउ टू यू नो सिलेक्ट द कॉलेजेस। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेशंस में। अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ BDS इन गवर्नमेंट सीट्स। ओके, तो गवर्नमेंट्स में देखो डेंटल का जो सीट्स है वो ओपन कैटेगरी के लिए अराउंड 400 रहेगा, OBC के लिए अराउंड 360 रहेगा, SC के लिए अराउंड 300 रहेगा, और ST कैंडिडेट्स के लिए अराउंड 116 कट ऑफ रह सकता है। उसके अलावा जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस है, जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ अराउंड 385 तक रह सकता है। तो ये डेंटल का गवर्नमेंट कोटे के जो सीट से उसमें उसका कट ऑफ मैंने बताया। सेल्फ फाइनेंस कोटे का जो कट ऑफ हुआ मैक्सिमम डाउन जाएगा, जो SC ST कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई भी है उनको भी ये सीट्स मिल सकता है। जनरल कैटेगरी में अराउंड 175-200 तक ये कट ऑफ नीचे जा सकता है। ओके, तो डेंटल में इतना टेंशन नहीं है, उसके जो सीट्स होते हैं आफ्टर मोपअप भी अवेलेबल रहते हैं, स्पेशली NRI कोटे के जो सीट्स, क्योंकि मैनेजमेंट और NRI कोटे के सीट्स का जो फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है डेंटल का, तो स्टूडेंट यूजुअली उसको चॉइस नहीं करते हैं, वो BAMS नहीं तो होम्योपैथी में भी वो अपना ऑप्शंस अवेलेबल रखते हैं, राइट। तो ये जो सीट्स है वो फाइनली जो ऑफलाइन में कॉलेज लेवल से हमको मिल सकता है, वो टाइम पे हमें फीस स्ट्रक्चर बहुत रिजनेबल होता है और हमें एक निगोशिएशन का भी चांसेस मिलता है कॉलेज के साथ, राइट। उसका जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो हम फ्यूचर में डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करना है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी जो होम्योपैथी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा, ओके, तो गवर्नमेंट सीट्स में देखो होम्योपैथी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी का अराउंड 300 रहेगा, OBC का अराउंड 275 रहेगा, SC कैटेगरी का अराउंड 225 रहेगा, और ST कैटेगरी का अराउंड 113 रहेगा, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो बच्चे हैं उसका कट ऑफ अराउंड 280 मार्क्स रहेगा। तो ये हो गया आयुर्वेदा, होम्योपैथी, डेंटल और MBBS के गवर्नमेंट सीट्स का कट ऑफ गुजरात में विद इन द गुजरात के बच्चों के लिए स्टेट कोटे का गवर्नमेंट सीट्स का कट ऑफ। ओके, ये हमारा एनालिसिस था, ये हमारा एक प्रेडिक्शन था, पॉसिबिलिटी है कि हम गलत भी हो सकते हैं, ओके, बट आने वाले दिनों में हमें ये पता चलेगा। ओके, मैक्सिमम है, हमने यहाँ पे ट्राई किया है कि ये कट ऑफ ही रहना चाहिए। यहाँ पे देखो हम स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस करते हैं, डोंट गो थ्रू ओनली नीट कट ऑफ, नीट के स्कोर के बेस पे आप डिसाइड मत करो पूरा, हमेशा जनरल मेरिट को भी देखो। तो उसमें देखो जनरल मेरिट हमारा, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के जो सीट्स होते हैं MBBS, BAMS, डेंटल और होम्योपैथी में, स्पेशली जो MBBS में हमारा जनरल मेरिट 950 तक का है, तो हमें गवर्नमेंट सीट्स मिलने का चांसेस मैक्सिमम है। OBC कैटेगरी में हमारा 380 तक का कैटेगरी रैंक है, तो हमें OBC के सीट्स मिलने, गवर्नमेंट के सीट्स मिलने का चांसेस है। SC कैटेगरी में हमारा 115 तक का हमारा कैटेगरी रैंक है, देन वी हैव चांसेस टू गेट द गवर्नमेंट सीट्स फॉर MBBS। ST कैटेगरी में हमारा 206 तक का कैटेगरी रैंक है, तो हमें गवर्नमेंट सीट मिलने का चांसेस है। और इकोनॉमी वीकर सेक्शंस में हमारा 263 तक का कैटेगरी रैंक है, तो हमें गवर्नमेंट सीट्स मिलने का मैक्सिमम चांसेस है। जबकि BAMS, डेंटल और
होम्योपैथिक में जनरल मेरिट प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो यहाँ पे हमने आपके साथ एक्सप्लेन नहीं किया, बट फ्यूचर में डेफिनेटली वो भी हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। अभी देखो काउंसलिंग स्केड्यूल फॉर द गुजरात 2020। सी, हम 2017 से लेके 2020 तक का काउंसलिंग स्केड्यूल कैसा था, 2017 में काउंसलिंग के कितने राउंड हुए थे, 2018 में कितने हुए थे, 2019 में कितने राउंड हुए थे, तो ये काउंसलिंग के राउंड से हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाता है कि फाइनली हमें कौन से फेज पे कब हमें सीट मिल सकता है, राइट। तो 2017 में देखो काउंसलिंग के करीबन 7 से 8 राउंड हुए थे, ओके। 2018 में काउंसलिंग के करीबन 7 राउंड हुए थे, जबकि 2019 में काउंसलिंग के 5 to 6 राउंड हुए थे, उसमें मॉपअप भी हुआ था लास्ट ईयर स्पेशली आयुर्वेदा और होम्योपैथी के सीट्स का। तो ये साल भी पॉसिबिलिटी है आपका आयुर्वेदा और होम्योपैथी के सीट्स का डेफिनेटली मॉपअप रहेगा, तो ये साल सभी जो ब्रांचेस है उसका मॉपअप रहेगा, ओके। उसके अलावा ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशंस, देखो ये साल पॉसिबिलिटी है कि काउंसलिंग के सेशंस में प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है। जो स्टूडेंट्स को मोपअप के लिए लास्ट ईयर जो एक सारे स्टूडेंट को बुलाते थे, इकट्ठा बुलाते थे, पॉसिबिलिटी है कि उसको डिवाइड करके बुलाए, 200-200, 500-500 ऐसे स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं, ओके। तो ये साल मोपअप थोड़ा उसका जो ड्यूरेशन वो थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है, राइट। जबकि आयुर्वेदा और होम्योपैथी के जो सीट्स है उसका मोपअप होना तय है, बट पॉसिबिलिटी है कि ऑफलाइन भी हो जाए ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशंस, राइट। तो ये सभी अपडेट्स हमें आने वाले फ्यूचर्स में डेफिनेटली पता चलेंगे। अभी कौन कौन से ऐसे वेबसाइट हैं जो हमें फॉलो करना है, ओके, तो वो यहाँ पे देखो स्क्रीन में हम लोगों ने ऑलरेडी उसको अपलोड किया है, ओके। फॉर एग्जांपल हमें आयुष के लिए कौन सा वेबसाइट फॉलो करना है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये मेंशन किया है। एमबीबीएस के लिए हमें गुजरात का कौन सा वेबसाइट फॉलो करना है, जो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है। कर्नाटका के लिए हमें कौन सा एडमिशन कमिटी का वेबसाइट फॉलो करना है और कहाँ से हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो वो भी हमने देखो यहाँ पे अपलोड किया है आपके साथ। उसके अलावा आयुष का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं स्पेशली होम्योपैथी आयुर्वेदा का कोर्स के लिए, तो उसकी कौन से वेबसाइट को हमें फॉलो करना है, कहाँ से हमें उसका स्केड्यूल लेना है, वो भी हमने यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी ऐड किया है। उसके अलावा देखो हर एक स्टेट का, फॉर एग्जाम्पल बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का ये साल अप टू 2019 वो लोग जो स्टेट लेवल के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे उसके जो इंस्टीट्यूट कोटा थे, राइट, अराउंड 15% वो ये साल से उन लोगों ने ओपन रखे, तो नाउ एनीबडी कैन अप्लाई फॉर दैट इंस्टीट्यूशनल कोटा। एक्चुअली इंस्टीट्यूशन कोटा सेल्फ फाइनेंस कोटे के फीस नहीं होता है, वहाँ पे मैनेजमेंट एनआरआई कोटे का जो फीस होता है, फॉर एग्जाम्पल एनआरआई कोटे के सीट्स नहीं भर रहे महाराष्ट्र में, ओके, जेन्यून एनआरआई कैंडिडेट्स नहीं आ रहे, तो वो सीट्स फाइनली कन्वर्ट हो रहा था और उसको मैनेजमेंट कोटे नहीं तो अदर कोटे में कन्वर्ट करके वहाँ के जो स्टेट कोटे के जो स्टेट के जो बच्चे थे उनके लिए वो अवेलेबल था, जैसा गुजरात में था। बट महाराष्ट्र में ये साल से उन लोगों का जो स्टेट इंस्टीट्यूशनल जो कोटा है, राइट, ये जो एनआरआई सीट्स है उसको उसमें वो ऐड किया है, और ये जो 15% जो सीट्स है अभी नाउ इट इज़ ओपन फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स। तो अभी हमें एनआरआई इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए अप्लाई करना है, बट यहाँ पे इसका फीस हमेशा ज़्यादा रहता है, अराउंड 1 CR और 1 CR के अबव भी आपको इसका फीस पे करना पड़ता है, क्योंकि एनआरआई का जो फीस होता है वो अदर्स में कन्वर्ट होता है और अदर्स में बाद में उसको जो हमें पे करना है वो रुपीस में पे करना है, तो करीबन सालाना 25 लाख रुपीस इनका एमबीबीएस का एनआरआई मैनेजमेंट कोटे का जो फीस होता है वो हमें पे करना होता है, तब जाके ये सीट्स हमें मिलता है। बट इसका कट ऑफ बहुत कम रहता है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको भी ये सीट्स मिलने का मैक्सिमम चांसेस है। अभी okay. इसके बाद देखेंगे मोपअप राउंड के बाद कितने सीट्स अवेलेबल थे 2019 में, तो यहाँ पे देखो हमने पूरा एनालिसिस रखा है आपके सामने। 2019 में बीएएमएस के कितने सीट्स अवेलेबल थे, 2019 में डेंटल के कितने सीट्स अवेलेबल थे यहाँ पे हमने रखा है, 2019 में होम्योपैथी के कितने सीट्स अवेलेबल थे वो यहाँ पे हमने आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद देखो अभी हमने आपको ऑलरेडी बताया फ्रॉड से कैसे बचे, ओके। सी, मार्केट में जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, एडमिशन कमिटी में जो रजिस्ट्रेशन करता है, जो नीट अपीयर करता है, उनके जो डेटाबेस है आजकल मार्केट में 2000 रुपये में बिकता है,
ओके, हर छोटे से छोटा जो एजेंट होता है उनके पास ये डेटा अवेलेबल होता है। यहाँ पे मेरा आपको ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे ये 1.5 से 2 महीने के एडमिशन के जर्नी में हमें बहुत सारे ऐसे कॉल्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, हमको कंफ्यूज करते कि फाइनली हम क्या डिसीजन लें। बहुत अट्रैक्टिव पैकेज हमको ऑफर करते, जो कॉलेजेस का फीस 15 लाख होता है उसका फीस आपको 5 लाख बताएंगे, जो कॉलेजेस का फीस टोटल पैकेज अराउंड 1.5 CR होता है, 1 CR होता है, उसका आपको ओनली 50-60 लाख बताएंगे, राइट। तो ऐसे अट्रैक्टिव रेट बोल के आपको वो हमेशा बहला देंगे, आपको मिसगाइड करेंगे। तो ऐसे मिसलीडिंग कन्वर्सेशन ऐसे एजेंट से हमेशा बचना है। ये लोग क्या होता है, देखो ये फॉर एग्ज़ाम्पल वो मानसून के सीजन में बारिश के टाइम पे वो जो बिल्ली के टॉप कैसे वो बन जाते हैं, उसी तरह ये लोग हर साल एडमिशन के प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो उसी तरह ये लोग अब बाहर आ जाते हैं और लोगों को प्रमोट करते, कुछ भी जो भी दिमाग में आता है ये लोग बात करते हैं, और बस इनका काम एक ही काम है कि बस पैसा कैसे कमाया जाए, राइट। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। You should follow the registered consultancy, you should follow the licensed, you know, consultant, जो आपको अपना guidance देंगे, तो उनके knowledge के through देंगे, उनके experience के through आपको guide करेंगे, right? तो आप ऐसे consultant को follow करें, ऐसे agent से बात कीजिए जो आपको सही मायने में आपकी requirement को समझे और आपके individual choice पे आपको guide कर पाए, right? तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। वी शुड अवॉइड दिस यू नो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। हमेशा एडमिशन कमिटी के वेबसाइट को फॉलो करो, हमेशा स्टैटिक्स एनालिसिस को फॉलो करो। कोई भी बंदा बाहर से हमको कॉल करके बोलता है कि मैं आपको गुजरात के कोई भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कोटे का सीट नीट में कम मार्क होते हुए भी मैं आपको दिला सकता हूँ, देन दे आर गिविंग यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। गुजरात में एक भी मेडिकल कॉलेजेस ऐसा नहीं है जिसका काउंसलिंग विदाउट एडमिशन कमिटी के प्रोसेस के बगैर होता हुआ, ओके? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, कोई भी ऐसा कॉलेजेस नहीं है जो अपने एंड से स्टूडेंट को सीट दे पाए, उनको डेफिनेटली एडमिशन कमिटी का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यदि वो फॉलो नहीं करते दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ, ओके? गुजरात में कंपलसरी मेरिट को फॉलो किया जाता है, बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स ओनली ऑल इंडिया कोटा में ही अप्लाई कर सकते हैं, रिमेनिंग जो सीट्स होते हैं वो स्टेट कोटा में अगेन कन्वर्ट होता है। मैनेजमेंट और NRI कोटे के सीट्स होते हैं उसका भी मोपअप से काउंसलिंग ओनली होता है, मोपअप के बाद भी जो सीट्स अवेलेबल रहेगा तो वो भी सीट स्टेट काउंसलिंग के गाइडेंस के थ्रू ही कॉलेज भर सकता है, वो भी 1-2 सीट ऐसे होते हैं और उसमें भी जो वेटिंग में जो कैंडिडेट्स है उसको ही वो सीट्स मिलेगा, ओके? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मेरे अंकल पॉलिटिशियन है, मेरा पापा ये है, मेरे मदर ये है, मेरे चाचा ये है, तो वो कर देंगे, उसने बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ओके? तो ऐसे छोटे छोटे जो एजेंट्स होते हैं ना उसके ये अट्रैक्टिव कन्वर्सेशन से हमेशा अलर्ट रहिए, खुद भी अलर्ट रहिए, दूसरों को भी अलर्ट कीजिए। आज आपका स्कोर नीट में कम आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, गिव नीट, आप नेक्स्ट ईयर वापस से नीट का एग्जाम्स दो, अच्छे मार्क्स लो। आज की डेट में आप 300 लाख के दे सकते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आपके 450-500 भी मार्क्स आता है, ओके? मेहनत करेंगे तो कोई भी मार्क्स लेके आ सकता है, ओके? फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा है कि नहीं मेरा स्कोर अभी यही है और इससे ज़्यादा मुझे नहीं आ सकता है, देन चेंज द ब्रांच, अदरवाइज गो अब्रॉड, ओके? बाहर भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बाहर की कंट्री में, स्पेशली जॉर्जिया, रशिया, ओके? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप पढ़ के अच्छे से नॉलेज गेन करके इंडिया में नेक्स्ट का एग्जाम्स देने के बाद आप यहाँ पे एज ए लाइसेंस प्रैक्टिशनर काम कर सकते हैं, ओके? तो ये हो गया, देखो टोटल सीट मैट्रिक्स एनालिसिस एंड काउंसलिंग प्रोसेस, ओके? आगे के सेशंस में हम थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करेंगे BAMS के काउंसलिंग का प्रोसेस, ओके? तो कृपया बने रहिए हमारे साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अपने अगले सेशंस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।